हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, छिंदवाड़ा जिला डिस्कस करेंगे। छिंदवाड़ा जिले से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, वो पूरे में कवर किया जाएगा, यानी कवर हो जाएगा। तो आपको हमारा प्रयास अगर पसंद आएगा तो वीडियो को पूरे समय तक देखना है फ्रेंड्स, स्किप नहीं करना है। बहुत ही शानदार होने वाला है ये लेक्चर और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप वीडियो को एक बार पूरा देखें जिससे आपको फिर समझने में आसानी जाए। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माई नेम इज़ विक्रम खंडेलकर और हमारे इस चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली अपडेट्स आपको मिल सके, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही अच्छे अच्छे अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए छिंदवाड़ा जिला। तो देखिए फ्रेंड्स, छिंदवाड़ा से आप परिचित होंगे। छिंदवाड़ा को कॉर्न कॉर्न सिटी भी कहा जाता है, कॉर्न सिटी। यहाँ पे छिंदवाड़ा में मक्का भी बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, मक्का भी बहुत ज़्यादा होता है। और मक्का फेस्टिवल का आयोजन भी छिंदवाड़ा में होता है, मक्का फेस्टिवल का आयोजन होता है छिंदवाड़ा में। और कॉर्न फेस्टिवल का भी आयोजन हो चुका है 2 दिवसीय छिंदवाड़ा में। तो आगे चलते हैं अपन। देखिए, इस क्षेत्र में छींद के पेड़ होते हैं, आपने देखा होगा गांव में छींद के पेड़। इस क्षेत्र में छींद यानी खजूर के पेड़ बहुताय में हैं। इस क्षेत्र में छींद या खजूर के पेड़ बहुताय में हैं, इसलिए इसका नाम छिंदवाड़ा पड़ा। छींद के ज्यादा पेड़ होने के कारण इस क्षेत्र का नाम छिंदवाड़ा पड़ा। एक समय यहाँ शेरों की बहुताय थी, शेरों की यानी लायनों की बहुताय थी, इसलिए इसे सिंहवाड़ा भी कहा जाता है। तो इसका नाम पहले सिंहवाड़ा था, फिर छिंदवाड़ा हो गया अपभ्रंशों के चलते, तो छिंदवाड़ा हो गया। और छींद पेड़ की ज़्यादा होने के कारण, छींद पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इस क्षेत्र का नाम छिंदवाड़ा पड़ा। तो अब आपको याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यह जिला दक्षिण मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, दक्षिण मध्य राज्य में स्थित है। दक्षिण में तो हाई है जिस, और दक्षिण के मध्य में है। वास्तव में इसका नाम छींद यानी खजूर के वृक्ष के नाम पर हुआ है। इसका नामकरण छींद या खजूर वृक्ष, छींद का पेड़ देखे होंगे आपने, उसमें एक फल लगते हैं छोटे छोटे, खजूर टाइप के दिखते हैं, तो खजूर वहीं से बनते हैं। तो छींद के पेड़ आपने गांव में देखे होंगे फ्रेंड्स, अगर आप गांव से होंगे तो छींद के पेड़ को जो फल होते हैं उसको भी खाते हैं, अच्छे लगते हैं खाने में। तो इसका नामकरण छींद यानी खजूर के वृक्ष के नाम पे हुआ है नामकरण। यह गोंड वंश की पुरानी राजधानी देवगढ़ छिंदवाड़ा नगर के पास ही स्थित है। तो गोंड वंश भी राज करते थे इधर। गोंड वंश की पुरानी राजधानी देवगढ़ छिंदवाड़ा नगर के पास ही स्थित है। तो छिंदवाड़ा नगर के पास देवगढ़ नामक स्थान है, तो याद रखना है। साथ ही यहाँ मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला है। तो देखिए, अभी वर्तमान की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, अगर एरिया वाइज देखा जाए तो। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ से आपको समझ में आ गया, देवगढ़ याद रखना है छिंदवाड़ा में था। जनसंख्या देखो, छिंदवाड़ा की अगर जनसंख्या देखा जाए फ्रेंड्स तो 20 लाख के ऊपर है। 20,90,992 व्यक्ति निवास करते हैं यहाँ पे। 20,90,992 व्यक्ति निवास करते हैं, यानी 20 लाख से अधिक जनसंख्या, याद रखना है। लिंग अनुपात इस जिले का देखा जाए तो 984 है, 984। और साक्षरता देखा जाए तो 71.2% यहाँ की लिटरेसी रेट है। जनसंख्या घनत्व कम है थोड़ा सा, 177 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1 किलोमीटर के अंतराल में 177 व्यक्ति निवास करते हैं। तहसील इंपॉर्टेंट है, इस जिले में 13 तहसील मिलती है, 13 तहसीलें हैं इस जिले में। अगर देखा जाए तो 14 तहसील हैं इस जिले में, तो 13 या 14 याद रखना, मैं आपको बता दूंगा अभी 14 कौन सी है। तो छिंदवाड़ा अपने आप में तहसील है एक, तो छिंदवाड़ा, और एक छिंदवाड़ा शहरी तहसील है, शहर, एक शहर वाला छिंदवाड़ा है जहाँ शहरी एरिया बसा रहता है, छिंदवाड़ा शहरी या शहर। छिंदवाड़ा शहर एक तहसील हो गई, छिंदवाड़ा एक हो गई। तो छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा शहर को गिना जाए तो ये 2 तहसील हो जाती है फ्रेंड्स, तो इसलिए 14 है, लेकिन बुक में 13 लिखा है, 13 या 14 याद रखना है। तो छिंदवाड़ा हो गया। तामिया नाम की तहसील मिलेगी आपको छिंदवाड़ा में, तामिया तहसील छिंदवाड़ा में स्थित है। मोहरवेड़, इसको इंग्लिश में मोहो खेड़ बोलते हैं फ्रेंड्स, मोह KHED खेड, मोह खेड़।
MOH है, सॉरी देखिए बता रहा हूं इसको इंग्लिश में बोलते हैं MOHKHED, मोहखेड। तो मोहखेड यहां पे क्या लिखा है, मोहर वेड या मोहखेड, तो मोहखेड याद रखना है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, बुक में भी गलत छपा रहता है। जूना जुन्नारगढ़ नाम की तहसील है छिंदवाड़ा में, जुन्नारदेव नाम की तहसील है छिंदवाड़ा में। परासिया नाम की तहसील मिलेगी, परासिया छिंदवाड़ा में है, परासिया नाम की तहसील। उसके बाद है उमरेठ नाम की तहसील है उमरेठ। उसके बाद हराई नाम की तहसील भी छिंदवाड़ा में है, मैंने बताया 13 तहसील है, तो हराई नाम की तहसील भी छिंदवाड़ा में है। उसके बाद है अगला संसर नाम की तहसील भी है। पांडुरना इंपॉर्टेंट है, पांडुरना नाम की तहसील मिल जाती है छिंदवाड़ा में, पांडुरना तहसील छिंदवाड़ा में स्थित है, छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। उसके बाद बिछुआ नाम की तहसील भी है छिंदवाड़ा में, बिछुआ नाम की तहसील भी है छिंदवाड़ा में। अमरवाड़ा नाम की तहसील भी मिल जाएगी आपको छिंदवाड़ा में, अमरवाड़ा नाम की तहसील, काहे की 13 तहसील है, बड़ा जिला है क्षेत्रफल में इसलिए ज्यादा तहसीलें हैं। तो अमरवाड़ा के बाद चौरई नाम की तहसील भी है छिंदवाड़ा में। तहसील में विशेष फोकस करना है, कम से कम अपने को इतना तो पता होना कि उस जिले में कौन सी तहसील है। चांद तहसील भी मिल जाएगी छिंदवाड़ा में, तो 13 तहसील मिलेगी और एक और जोड़ दिया छिंदवाड़ा शहरी को, तो 14 तहसील हो जाती है इस जिले में। तो पूरी तहसीलों का नाम याद रखना है फ्रेंड्स। तो क्या है, कई बार क्वेश्चन बनते हैं तहसीलों के नाम पेपर में दे देते हैं, जैसे पांडुरना तहसील है कहाँ पे, छिंदवाड़ा में। तामिया तहसील है छिंदवाड़ा में, तो ये सब याद रखना है आपको, तो ये आपको इसको अच्छे से देखना है। 13 तहसील इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, मैप देखना बहुत बड़ा है। और दूसरे नंबर का भी याद रखें, सबसे पहला तो छिंदवाड़ा है, दूसरे नंबर का है फ्रेंड्स शिवपुरी जिला ऐसा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला है। तीसरे नंबर का भी सागर है, तो क्या है, कभी क्रम भी पूछा जा सकता है, इसलिए तीन आपको मैंने बता दिया, छिंदवाड़ा सबसे बड़ा है, दूसरा में सागर शिवपुरी, तीसरे में सागर। आगे चलते एग्रो कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट पूछा जाता है कहां पर है, राज्य सरकार द्वारा स्थापित है, छिंदवाड़ा जिले में है। तथा फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का सेंटर यहीं स्थित है, यह इंपॉर्टेंट है। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, एक प्रकार का कॉलेज है ये, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है जो छिंदवाड़ा में स्थित है, तो उसका सेंटर यहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का सेंटर छिंदवाड़ा में। आगे चलते हैं अनहोनी नाम की एक जगह है जहाँ पे गर्म पानी का झरना है, गर्म जल का झरना है, गर्म पानी का झरना है, तो ये गर्म पानी का झरना कहाँ पर आ सकता है, अनहोनी में, और अनहोनी नाम की जगह है छिंदवाड़ा में। आगे चलते हैं, देश का पहला मसाला पार्क की स्थापना छिंदवाड़ा में की गई है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है मसाला पार्क कहां पर है, छिंदवाड़ा, मसाला पार्क कहां पर है, छिंदवाड़ा में। आगे चलते हैं, अंग्रेजों के पूर्व घोसले रघुजी तृति ने नागपुर राज्य का हिस्सा था, तो जो छिंदवाड़ा जिला है, तो ये अंग्रेजों के पूर्व की बात हो रही है, जब अंग्रेज नहीं आए थे भारत में, उसके पहले घोसले रघुजी तृति के नागपुर राज्य का हिस्सा था, नागपुर राज्य था, तो नागपुर राज्य का हिस्सा था, अंग्रेजों के पहले की बात हो रही है। आगे चलते हैं, नगरबाड़ी में अनेक गुफाएं हैं, तो ये नगरबाड़ी एक जगह मिल जाती है, नगरबाड़ी वहां पे अनेक गुफाएं हैं। सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का मुख्यालय छिंदवाड़ा में है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का मुख्यालय छिंदवाड़ा में है। और आपको जानकारी के लिए और एक दो चीज बता दूं, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक सुना होगा आपने, गांव में रहता है, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का मुख्यालय इंदौर में फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का मुख्यालय पूछेगा तो इंदौर में है। और नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, उधर साइड एक बैंक चलता है जिसका नाम है नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, जिसका मुख्यालय भी इंदौर में है, तो नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक का मुख्यालय इंदौर, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का मुख्यालय इंदौर। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है इसकी, सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक
का मुख्यालय छिंदवाड़ा में है, ऐसी क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं। अदरक का सबसे अधिक उत्पादन छिंदवाड़ा में होता है। अदरक, अदरक तो आप जानते हैं चाय में डालते हैं कूट के, तो अदरक, अदरक अदरक क्या है फ्रेंड्स, एक प्रकार का अदरक तना है। देखो आलू हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया, हल्दी हो गया, लहसुन हो गया, ये सब भूमिगत रूपांतरित तना है। तो यहां बात काय की हो रही है, सिर्फ अदरक की। तो अदरक का सबसे अधिक उत्पादन छिंदवाड़ा जिले में होता है, छिंदवाड़ा में होता है, छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा में होता है। छिंदवाड़ा में मक्का भी होता है, मैंने बताया था मक्का फेस्टिवल का आयोजन भी छिंदवाड़ा में होता है। भारत में सबसे ज्यादा मक्का होता है छिंदवाड़ा में। आगे चलते हैं, छिंदवाड़ा के तामिया तहसील में, छिंदवाड़ा के तामिया तहसील में दूधी नदी, तो देखिए तामिया में जो है, तामिया में दूधी नदी व छोटा महादेव स्थित है। ये छोटा महादेव कहा जाता है, ये तामिया में स्थित है फ्रेंड्स, तामिया तहसील में स्थित है। आगे चलते हैं, अमरेठ का मेघनाथ मेला, ये मेला भी लगता है, एक इंपॉर्टेंट है, कहां पे लगता है ये, छिंदवाड़ा में। अमरेठ का मेघनाथ मेला और चौरागढ़ का महादेव मेला, ये दो मेले इंपॉर्टेंट है इस जिले से, अमरेठ का मेघनाथ मेला और चौरागढ़ का महादेव मेला। और एक सबसे इंपॉर्टेंट मेला लगता है यहाँ पे, जिसका नाम है गोटा, गोटमार मेला या गोटामार मेला, वो आगे डिस्कस करेंगे अपन, अभी आगे चलते हैं। सेंटर फॉर फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐसी क्वेश्चन बन जाते हैं कहां पर है करके, क्या नाम है इसका, इसका नाम मिल जाता है सेंटर फॉर फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये छिंदवाड़ा में है, डायरेक्ट पूछा जाता है कहां पर है, छिंदवाड़ा में है। और 1995 में हुई थी इसकी स्थापना, स्थापना भी इंपॉर्टेंट है, स्थापना भी इंपॉर्टेंट है। सेंटर फॉर फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी मानव का विकास संस्थान है, एक प्रकार का इंस्टीट्यूट है, तो याद रखना है आप, रिसर्च है, रिसर्च होता है यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट है छिंदवाड़ा में। बादल बोई आदिवासी म्यूजियम, बादल बोई आदिवासी म्यूजियम, इसको बादल बोई जनजाति संग्रहालय, जनजाति संग्रहालय भी कहा जा सकता है, जिसकी स्थापना 20 अप्रैल 1954 को की गई थी, 20 अप्रैल 1954 को की गई थी। वर्तमान में यहाँ, वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया, बादल बोई आदिवासी म्यूजियम, तो 1997 से, तो ये समझ में आ गया, 54 में स्थापना की गई थी, फिर इसका नाम बादल बोई कर दिया गया, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, छिंदवाड़ा में है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बादल बोई आदिवासी म्यूजियम कहाँ स्थित है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, एक कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, विदेशी कंपनी है ये, इंग्लैंड की कंपनी है, तो इसने अपना छिंदवाड़ा में एक, छिंदवाड़ा में स्थित है ये, छिंदवाड़ा में स्थित है, तो छिंदवाड़ा के लहागा दुआ ग्राम में स्थित है, छिंदवाड़ा के लहागा दुआ ग्राम में स्थित है, याद रखना है ये, लहागा दुआ ग्राम में स्थित है। और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ये घरेलू एवं खाद उत्पादन करती है, घरेलू एवं खाद उत्पादन करती है। और ये जो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी है, इसका मुख्यालय मुंबई में, लेकिन अपने मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थापित है पूछा जा सकता है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कहाँ स्थापित है, तो ये छिंदवाड़ा में स्थापित है। पातालकोट में भारिया जनजाति पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है, पातालकोट नाम की जगह मिलेगी आपको छिंदवाड़ा में, वहाँ भारिया जनजाति निवास करती है, भारिया जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है मध्य प्रदेश की, भारिया जनजाति निवास करती है। भारिया जनजाति के बारे में जनजाति पढ़ेंगे जब, आपको डिटेल में बताऊंगा मैं, बाकी छिंदवाड़ा के पातालकोट में भारिया जनजाति निवास करती है, ऐसा आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, लीलाही में कान्हन नदी पर एक सुंदर जलप्रपात है, तो कान्हन नदी बहती, कभी पूछा, कान्हन नदी दक्षिण की ओर बहने वाली नदी और छिंदवाड़ा में बहती है फ्रेंड्स, याद रखना है कान्हन नदी, तो ये इसमें एक सुंदर जलप्रपात मिल जाता है छिंदवाड़ा में। उसके बाद नीलकंठ नामक स्थान मिलेगा आपको छिंदवाड़ा में, नीलकंठ, यहाँ पर राष्ट्रकूट राजा कृष्णा तृतीय ने अभिलेख मंदिर के दरवाजे पर उत्कीर्ण है, तो ये नीलकंठ एक जगह है जो इंपॉर्टेंट है। नीलकंठ क्या था, राष्ट्रकूटों की राजधानी भी रहा है, राष्ट्रकूटों की राजधानी नीलकंठ थी जो छिंदवाड़ा जिले में स्थित है,
जो छिंदवाड़ा जिले में स्थित है, इसलिए आपको याद रखना है। ये राजा कृष्ण तृतीय की राजधानी थी नीलकंठ, राजकूट राजा कृष्ण तृतीय की राजधानी नीलकंठ थी, जो उस टाइम पे छिंदवाड़ा में है अभी, यानी छिंदवाड़ा में पड़ता था। आगे चलते हैं, पांडुरना गांव इंपॉर्टेंट है। पांडुरना गांव या पांडुरना तहसील है छिंदवाड़ा में। यहां पर प्रतिवर्ष गोट मार मेला या गोट मार प्रथा का आयोजन जाम नदी के तट पर होता है, जाम नदी पर होता है। तो नदी भी याद रखिए, जाम नदी के तट पर गोट मार मेला, एक मेला का आयोजन होता है जिसमें गोटे मारे जाते हैं, पत्थर गोटे एक दूसरे को फेंक के मारे जाते हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ फेंक के मारे जाते हैं, उसे ही गोट मार मेला या गोट मार प्रथा कहा जाता है, छिंदवाड़ा में प्रचलित है। और ये विश्व प्रसिद्ध है, ये जो मेला है गोट मार मेला, ये विश्व प्रसिद्ध है। और ये जो गोट मार मेला, ये कब लगता है? ये भादो आपने सुना होगा, भादो मास के कृष्ण पक्ष, तो भादो मास के कृष्ण पक्ष में लगता है, याद रखना है। गोट मार मेला छिंदवाड़ा जाम नदी के तट पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेला है ये। टेक्सटाइल पार्क यानी कपड़ा पार्क, टेक्सटाइल पार्क छिंदवाड़ा में स्थित है, कपड़ा पार्क छिंदवाड़ा में स्थित है, याद रखना है। यहाँ रैंडम समूह का संयंत्र भी लगा हुआ है, 1991 में हुई थी स्थापना, तो रैंडम समूह का संयंत्र भी लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल यानी कपड़ा, कपड़ा पार्क छिंदवाड़ा में है। यहाँ रैंडम समूह का संयंत्र 1991 में स्थापित किया गया, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, देखिए छिंदवाड़ा में कौन सी नदी बहती है। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कुल बेहरा नदी को कहा जाता है। यह क्वेश्चन आ सकता है, छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कुल बेहरा नदी को कहा जाता है। कुल बेहरा के अलावा यहां पर शक्कर नदी मिलती है, शक्कर नदी ऊपर की ओर जाती है, उत्तर की ओर बहती हुई नर्मदा में मिल जाती है, दूधी नदी नर्मदा में मिलती है, पेंच नदी दक्षिण की ओर बहती है, कान्हन नदी दक्षिण की ओर बहती है, जाम नदी का नहीं पता, तो देख लेना है आपको ये। तो ये इतनी नदी इस जिले में बहती है फ्रेंड्स, जैसे कान्हन नदी हो गया, पेंच नदी, जाम नदी के तट पे मेला लगता है, देख लिया अपन ने। कुलबेहरा नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है, शक्कर नदी भी यहीं बहती है, दूधी नदी भी बहती है। इसके अलावा अगर देखा जाए कोई नदी इंपॉर्टेंट वाली, तो सीता रेवा नदी ये भी इंपॉर्टेंट है, शक्कर मिल जाती है, फिर शक्कर आगे जाके नर्मदा मिलती है, तो सीता रेवा नदी भी बहती है छिंदवाड़ा में, तो ये आपको नाम याद रखना बस। आगे चलते हैं, पातालकोट विकास प्राधिकरण का मुख्यालय यहीं पे स्थित है, कहाँ पे? यहीं पे छिंदवाड़ा में पातालकोट विकास प्राधिकरण का मुख्यालय, जो पातालकोट नाम की जगह है वहाँ पे, उसका विकास करने का जो मुख्यालय है, प्राधिकरण का मुख्यालय, वो छिंदवाड़ा में स्थित है। रेयान इंडस्ट्रीज छिंदवाड़ा में है, इंपॉर्टेंट है। रेयान इंडस्ट्रीज, ऐसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं बस, रेयान इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, जीके में ऐसी क्वेश्चन आते हैं वन डे एग्जामों में, रेयान इंडस्ट्रीज छिंदवाड़ा में स्थित है। आगे चलते हैं, यहाँ पे कोरकू जनजाति और भारिया जनजाति पाई जाती है। देखो कोरकू जनजाति यहाँ भी थोड़ी बहुत पाई जाती है, लेकिन कोरकू जनजाति स्पेशल होशंगाबाद और बैतूल में पाई जाती है फ्रेंड्स, बैतूल में पाई जाती कोरकू जनजाति, और भारिया जनजाति छिंदवाड़ा के पातालकोट में पाई जाती है, अभी बात कर ली है अपन ने इसकी। उसके बाद आगे चलते हैं, सहज योग, ये एक लेडी रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रही है, जिनका नाम था माताजी निर्मला देवी कहा जाता था फ्रेंड्स इसे, इन्हें माताजी निर्मला देवी, एक अध्यात्म गुरु रही हैं देश विदेश में, इनका नाम था, इन्हें शिव माता भी कहा जाता था, और इनका बर्थ प्लेस छिंदवाड़ा है, इनका जन्म स्थान छिंदवाड़ा है, ये यहाँ पे छिंदवाड़ा है। तो ये जो माताजी निर्मला देवी एक लेडी रही हैं, जो अध्यात्म गुरु रही हैं, बहुत ही फेमस रही हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में भी भूमिका निभाई थी इन्होंने, तो उनका जन्म स्थान जो है ये कहाँ पे था, छिंदवाड़ा था, तो इनके ही नाम पर यहाँ पे एक केंद्र स्थापित कर दिया गया, जिसका नाम है सहज योग केंद्र। तो उसका सहज योग केंद्र का नाम क्या है, माताजी निर्मला देवी सहज योग केंद्र छिंदवाड़ा में है, और ये एक प्रकार का मेडिटेशन सेंटर है, अध्यात्म से रिलेटेड है। तो ये माताजी का नाम याद रखना है, माताजी निर्मला देवी, इनका जन्म हुआ था छिंदवाड़ा में, तो देश विदेशों में भी इनका नाम रहा है, अध्यात्म गुरु रही है।
छिंदवाड़ा के बोर गांव में खाद पार्क की स्थापना की गई है। फूड पार्क भी बनने वाला है छिंदवाड़ा में फूड पार्क, खाद पार्क यानी फूड पार्क बनेगा बोर गांव में। फूड पार्क दो तीन जगह है मध्य प्रदेश में, कई जगह है फ्रेंड, जैसे मंडला में भी एक फूड पार्क है, छिंदवाड़ा में भी है, और जो जिले आएगा जब देखेंगे तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अपन, तो ये था हमारा, इसमें आप दर्शनीय स्थल रहेगा है छिंदवाड़ा जिले के जितने भी दर्शनीय स्थल है उसको अपन एक एक करके अच्छे से देखेंगे। क्या है दर्शनीय स्थल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हमें पता होना कि दर्शनीय स्थल में क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले बात करता हूं मैं दर्शनीय स्थल की। तो दर्शनीय स्थल में सबसे पहले हिंगलाज माता मंदिर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देश में एकमात्र मंदिर है ये। और इसके अलावा कौन से, तो देश में है पाकिस्तान में है हिंगलाज माता मंदिर। ये छिंदवाड़ा जिले में है, अंबाड़ा जगह का नाम है अंबाड़ा में। तो हिंगलाज माता मंदिर छिंदवाड़ा में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हिंगलाज माता मंदिर। पातालकोट नाम की जगह अपन ने बात कर ली है अभी, पातालकोट की भारिया जनजाति पाई जाती है यहाँ पे, देखो लिखा भी है भारिया जनजाति बहुल्य क्षेत्र है ये, भारिया जनजाति बहुल्य क्षेत्र है पातालकोट छिंदवाड़ा में। तामिया तहसील में पड़ता है ये, और 1700 फीट निचला स्थान है पातालकोट। और पातालकोट जो है इसका आकार कैसा है पूछा जा सकता है, यहाँ पे घाटी है फ्रेंड्स, पातालकोट में यू आकार की घाटी बनी हुई है और घोड़े की नाल टाइप का आकार है इसका, घोड़े की नाल के जैसे इसका आकार दिखाई पड़ता है, तो घोड़े की नाल के जैसे जो भी मैंने बताया आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, सप्तधारा पिकनिक स्पॉट है एक प्रकार का, तो सप्तधारा नाम का एक स्थान मिल जाता है, पिकनिक स्पॉट मिल जाता है, घूमने फिरने की जगह है भरकुली सप्तधारा स्पॉट, तो ये भी मिलेगा आपको छिंदवाड़ा में। उसके बाद डोगर देव में एक मेला भी लगता है, डोगर देव का मेला, तो एक मेला भी इंपॉर्टेंट है यहाँ का, डोगर देव का मेला डोगर देव में लगता है। देवगढ़ का किला है, तो देवगढ़ का किला इंपॉर्टेंट है, छिंदवाड़ा में है, मोहखेड़ में है। देवगढ़ का मेला इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, देवगढ़ का किला। देवगढ़ नाम का अपन ने पढ़े थे अभी, छिंदवाड़ा में है, तो देवगढ़ का किला कहाँ मिलेगा, ये मिल जाएगा छिंदवाड़ा में। आगे चलते हैं, घोगरा वाटरफॉल, इसको घुघरी खपा भी कहते हैं, घोगरा खपा वाटरफॉल इसे ही कहा गया, याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, 101 फीट ऊंची हनुमान की मूर्ति है, हनुमान मंदिर है सिमरिया में। तो सिमरिया में एक मंदिर भी है जो हनुमान जी का मंदिर है, 101 फीट ऊंचाई है, ऊंचा हनुमान मंदिर है। और आपको बता दूं, हनुमान मंदिर से याद आया, छिंदवाड़ा में ही एक जाम सावली नाम सुना होगा आपने, हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति है वहाँ पे, जाम सावली में हनुमान मंदिर है, हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति है, तो ये आपको मिल जाता है छिंदवाड़ा के सौसर तहसील में। तो जाम सावली छिंदवाड़ा में, याद रखना है, हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति मिल जाती है वहाँ पे, जाम सावली छिंदवाड़ा, और 101 फीट हनुमान मंदिर ये सिमरिया, ये भी छिंदवाड़ा में है, तो दोनों याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोनों। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, जुन्नार देव पहली पायली ये शिव टेम्पल है एक प्रकार का, फेमस शिव टेम्पल है, शंकर भगवान का टेम्पल है, मंदिर है, शिव टेम्पल है, जुन्नार देव पहाड़ी पायरी, ये भी छिंदवाड़ा में है। उसके बाद आगे चलते हैं, कुकड़ी खापा जगह का नाम है, वहाँ पे एक झरना, इसलिए उस झरने को कुकड़ी खापा झरना कहा जाता है, तो ये भी छिंदवाड़ा में है, कुकड़ी खापा झरना। उसके बाद आपने एक कपूरधा नाम की जगह सुनी होगी, जो लोग छिंदवाड़ा तरफ रहते हैं या फिर छिंदवाड़ा के आइट साइड के जिलों में रहते हैं, बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा,
कपूरधा में एक माता मंदिर है, कपूरधा में एक माता मंदिर है जिसका नाम है पाष्ठी माता मंदिर, पाष्ठी माता मंदिर, पाष्ठी माता मंदिर इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट मंदिर है। इसको हिंदी इंग्लिश में ऐसा ही बोल सकते हैं, शास्ती माता मंदिर, शास्ती माता मंदिर, माता मंदिर है कपूरधा में एक, जिसे कपूरधा माता मंदिर भी कहा जाता है। तो कपूरधा में एक माता मंदिर है, तो याद रखना ये, तो इसे इंग्लिश में शास्ती माता मंदिर कहेंगे और हिंदी में, हिंदी में इसका नाम पाष्ठी, ये छपा थोड़ा सा गलत है, पा आधा सा टी, तो देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक मंदिर है, इतना याद रखिए, कपूरधा मंदिर, कपूरधा माता मंदिर छिंदवाड़ा। तो फ्रेंड्स जो भी हो सके तो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की हूँ, जो बिल्कुल सही सही है और आप उसको देख सकते हैं, और इतने क्वेश्चन बन जाते हैं छिंदवाड़ा जिले से। छिंदवाड़ा जिले को आप इंपॉर्टेंट है, फोकस करना है बिल्कुल भी। मक्का ज़्यादा होता है यहाँ पे, इसलिए मक्का फेस्टिवल का आयोजन भी होता है, और कॉर्न सिटी भी छिंदवाड़ा को कहा जाता है। तो जो भी हो सके, तो जैसे तहसील याद रख लेना है, तहसील जो जो इंपॉर्टेंट है आपको तो उसको याद रखना है, और गोटमार मेला प्रसिद्ध है, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो प्रसिद्ध है, तो आपको पूरा लेक्चर को ध्यान से देखना है और हमें कमेंट करके भी बताना है कि हमारा ये लेक्चर, हमारे प्रयास आप लोगों को कैसा लगा। अगर पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।